65 की जंग में मुल्की दिफा के लिए बर्री, बहरी और फजाइया तीनों अफवाज का किरदार मिसाली था। इस जंग में पाक फजाइया के पास 12 F-104 स्टार फाइटर्स तैयारे, तकरीबन 120 F-86 सैबर्स और 20 B-57 कैनबरा बम्बार तैयारे थे। दूसरी तरफ भारत के पास लड़ाका तैयारों की तादाद कहीं ज्यादा थी। भारत के पास हॉकर हंटर, फॉलन नेट्स और डी हेविलैंड वैम्पायर्स, ई कैमरा बॉम्बर्स और MiG-21 का पूरा स्क्वाड्रन मौजूद था। तहम पाक फजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, जिसके बायस पाकिस्तान को जंग में बर्तरी हासिल हुई। यकम सितंबर 1965 को छम के महाज पर पाकिस्तान और भारतीय फजाइया के दरमियान पहली फजाई झड़प हुई, जिसमें पाक फजाइया के सिर्फ 2 अदद F-86 सैबर तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरी जानेब भारत ने 4 तैयारे इस्तेमाल किए, जिनका मिशन था पाकिस्तानी फौजी मोर्चों पर हमला करना। ताहम भारत के हमले से पहले ही पाक फजाइया के 2 बहादुर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी ने भारतीय हमले को पसपा किया, जो उस वक्त 20,000 की बुलंदी पर छम की फजाई पेट्रोलिंग कर रहे थे। जमीन की जानिब उतरते वक्त उनका सामना भारत के 2 तैयारों से हुआ, जिनको रफीकी ने मार गिराया। ताहम भट्टी बाकी 2 भारतीय तैयारों को गिराने में कामयाब हुए। पाक फजाइया ने भारत में पठानकोट और हलवाड़ा फौजी एयरबेसिस पर हमले किए, जिससे भारतीय फजाइया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। 6 सितंबर की दोपहर को 8 F-86 सैबर तैयारे भारतीय रडार से बचने के लिए इंतहाई नीची परवास करते हुए पठानकोट की एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। इत्तेफाक से उसी वक्त 5,000 फुट की बुलंदी पर भारत के 4 नेट तैयारे भी परवास कर रहे थे, तहम पाकिस्तानी तैयारे उनकी नजर से बच गए। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, जिसके नतीजे में भारत के 12 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 7 MiG-21, 5 मिस्टेयर्स और 1 फेयरचाइल्ड C-119 को नुकसान पहुंचा। इस जंग में पाकिस्तान के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे गिराकर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कायम है। उन्होंने मजमुई तौर पर दुश्मन के 10 तैयारे तबाह किए और कई को नुकसान पहुंचाया। 1965 का मार्का दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी जंग थी। तहम पाक फौज ने बेहतर टेक्नोलॉजी और जुर्रत और बहादुरी के बायस इस मैदान में भी भारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहीद की जो मौत है। 7 सितंबर 1965 में पाकिस्तान नेवी ने भारतीय साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी की और द्वारका का अहम तरीन रडार स्टेशन तबाह कर दिया। कुछ पाकिस्तानी जराए के मुताबिक पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान की एक आबदोज गाजी ने भारत के पहरी बेड़े को मुंबई में महसूर किए रखा।